Mutton Biryani LED Special. कैसे हैं आप? फहमीज किचन में आपको वेलकम करते हैं। आज ईद के हवाले से एक और इजी डिश आज हम बनाने जा रहे हैं, बहुत सिंपल इजी एंड टेस्टी बिरयानी। इंग्रेडिएंट्स वी आर गोइंग टू यूज फॉर मटन बिरयानी। मटन बिरयानी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगी वो हमने लिया 1 kg मटन, इसको हमने ऐसे क्यूब्स में काट लिया। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप ऑयल, 4 अदद टमाटर जो हमने स्लाइसेस में काट लिए हैं, 3 अदद प्याज स्लाइसेस में काट लिए हैं, 3 प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करके ये निकाल लिए हैं, 5 चम्मच जो है 5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 मुट्ठी धनिया हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी पुदीना है, जो सूखे मसाले हैं उसमें हमें चाहिए 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और नमक हसबे जायका भी आप डाल सकते हैं, और 1 कप दही हमें चाहिए। 2 kg हमने लिया है बनस्पति चावल, आधे घंटे पहले हमने भगो दिए हैं। आप सेला चावल में भी बना सकते हैं लेकिन हम बनाने जा रहे हैं बासमती चावल में। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी, उसके लिए हमने सबसे पहले मसाला बनाना है, 1 कप ऑयल। कुकर में हम इसलिए बनाने जा रहे हैं, गर्मी बहुत है और जब आप ईद पर बनाएंगे तो बहुत पसीने आपके निकलेंगे, तो हम शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं। ये हमने इसमें डाले 3 अदद प्याज स्लाइसेस किए हुए, इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर मिलाएंगे। फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है ये, आप फ्राई प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें डालने लगे हैं 5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 5 टेबल स्पून, इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे हम। तक हमने फ्राई किया है प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अपना मटन, इसको अब हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अभी ये पिंक कलर का है, लाइट पिंक कलर है, ये वाइट हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, इसका कच्चा पान जो कच्चा जायका खून का होता है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं सूखे मसाले और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। मसाले फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं जो हमने स्लाइसेस से काटा है, अच्छी तरह फ्राई करेंगे 2-3 मिनट काटे। टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं 2 मिनट में, अब हम दही डाल रहे हैं इसमें अच्छी तरह हिलाने के बाद 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये दही हमने शामिल कर लिया है, अब हम लिड रख रहे हैं इसके ऊपर। ये देखें हमारा मटन का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल के इसका लिड बंद करेंगे, क्योंकि ये मटन है तो कुकर में बनेगा सीटी के बाद 10 मिनट तक, ज़्यादा नहीं पकाना, 80-90% इसको पकाना है हमने, क्योंकि चावलों में भी बनना है। अब हम इसको बंद कर रहे हैं, सीटी बजने के 10 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। चलेंगे, हमारा गोश्त इस कुकर में गल रहा है, हमने पानी रख दिया चावल उबालने के लिए, उसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 अदद तेज़पात के पत्ते, बादियार का फूल, 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स, 4 छोटी इलायची और 5 अदद लौंग और नमक तो बेसिक चीज़ है, पाकिस्तानी वफ़ा याद आ रहा है, बिरयानी नहीं बनाई भाई। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए बिरयानी,
तो पानी हमारा उबले तो हम इसमें चावल डालेंगे, इधर हमारे चावल उबलेंगे उधर हमारा गोश्त गल जाएगा। तो फिर हम इसको दिखाते हैं हमारा। अब हम इसमें चावल अपने डालने लगे हैं, छानी में भी आप डाल सकते हैं, हम देसी तरीका ऐसे डाल रहे हैं। चावल हमने 80-90% उबालने हैं, ज़्यादा नहीं पके करने हैं। इसकी वजह ये है कि इसमें गलना है मसाले के साथ। डाल दिए पानी में, ये एक नींबू निचोड़ है, इससे जो है वाइटनेस रहेगी इसमें। और एक स्पून हम ऑयल डालेंगे इसमें ताकि चावल आपस में स्टक ना हो। हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया और इसको अच्छी तरह हिला लिया। अब हमारे चावल खोलने पे आ गए हैं। अब हम साथ अपना कुकर खोलेंगे, प्रेशर कुकर को हम खोलने जा रहे हैं। 10 मिनट हो चुके हैं हमें। वाओ शानदार, ये मसाला देखें, मटन बिरयानी का मसाला। चेक करते हैं हम 80-90% हमारा उबला नहीं, देखें 80-90 है। अभी हम स्लो फ्लेम पे इसको लगा देंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो सूख जाए और उधर हमारे चावल उबल जाए। थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। दार खुशबू, कितनी अच्छी शक्ल है इसकी। जब चीज़ देखने में अच्छी लगती है ना तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लेंगे। हमारे चावल उबल चुके हैं और ये देखिए मैं असेंबलिंग राइस एंड मटन मसाला। हमने इसको जैसे पैन को ग्रीस करते हैं ऐसे हम इसको ग्रीस कर रहे हैं। ये हमने चावल आधी लेयर डाले, आधे चावल हमने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम ये जो मसाला हमने लिया था मटन का, ये सारा डाल देंगे। ये हमने सारा गोश्त डाल दिया, बिल्कुल इजी तरीका है। आप लोग इस पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी मटन बिरयानी कैसे बनी है। काया चावल इस पे डाल दिए हैं, ये देखिए हमारे चार चावल। अब इसके ऊपर हम डालने जा रहे हैं है हमारा, इसके बाद है हमारे पास पुदीना, इसके बाद है जो प्याज हमने फ्राई किया था। ज़ाफ़रान वरना हमने ये फूड कलर लिया खेवड़ा में। डाल रहे हैं इसमें, बिरयानी में बड़ा मज़ा आता है फूड कलर से, एक अलग तासर आता है। अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अभी हम इसको ढक देंगे। अगर आपके पास फॉल में चावलों का देचका रख दिया है, सारी चीज़ें डाल दी हैं, अब इसको ढक रहे हैं। आपकी मर्जी है, फॉल पेपर लगा लें या आटा, यहाँ पर गीला आटा जो होता है गूंदा हुआ रोटियों के लिए पेड़े वाला, वो लगा के ढकना बंद करें। हम यहाँ पर तीसरा तरीका, गिविंग डम टू बिरयानी, इसके ऊपर इसको बंद किया अच्छी तरह और फिर हम इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख देंगे और 20 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। 20 मिनट बाद हम आपसे फिर मिलते हैं, दिखाते हैं हमारी बिरयानी की शक्ल कैसी हो गई है। ये देखें लजीज बिरयानी हमारी तैयार है। ये देखें, ये देखें मटन बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट योर लजीज बिरयानी। बहुत मज़े की बनी है, खुशबू इतनी अच्छी, पूरे किचन में खुशबू ही खुशबू है।
लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।